हाय गाइज़, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज़, आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि जो मैं हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बना रहा हूँ इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल प्रॉपर बनाऊँ। तो देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि नॉर्मल जो मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ ना, वो उसका साइज़ मैं A4 रखता हूँ और 6-7 घंटे में वो कम्प्लीट हो जाता है। तो उसको मैं डे वाइज देखूँ तो 3-4 दिन में वो कम्प्लीट हो जाता है। तो एक ट्यूटोरियल सीरीज़ मैं आपको बना के दे देता हूँ। अब हाइपर रियलिज्म में प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले पहला प्रॉब्लम तो यही है कि मैं इसको A3 साइज़ में बना रहा हूँ तो साइज़ बड़ा है, ऊपर से बहुत टाइम लगता है इसको मुझे बनाने में, 100 घंटे से ज़्यादा लगेगा। और मैं ऐसे दिन देखूँ तो 1-1.5 महीने आराम से लग जाएंगे। तो 1-1.5 महीने में ट्यूटोरियल नहीं बना सकता, ठीक है। और कॉन्सेप्ट देखो, कुछ खास अलग नहीं है। मैंने पहले ही बताया आपको कि रियलिज़म और हाइपर रियलिज़म में फ़र्क बस इतना है कि आप उसको वही चीज़ को आप डीप ले जाते हो, कॉन्सेप्ट कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पार्ट बाई पार्ट आपको भले ही ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ। जैसे मैं अभी कैप ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका एक पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसा ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो पूरा कैप मैं आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप भी देखना पसंद नहीं करोगे और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा रिकॉर्ड करना। तो मैं यहाँ पर अब इतने सारे मैंने ग्रेड ड्रॉ करे हैं तो एक ग्रेड मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ और उसी से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बाकी आगे आई, नोज़, लिप्स वगैरह भी अगर ड्रॉ करना होगा तो मैं पार्ट बाय पार्ट अपलोड कर दूंगा उसका ट्यूटोरियल, बट कंप्लीट मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो ग्रिड है, यहाँ पे ये वाला ग्रिड हम फिलहाल कवर करेंगे। तो एक और चीज़ ये है कि जब भी आप हाइपर रियलिज्म में जा रहे हो, मतलब आप डेप्थ में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि हड़बड़ी आप किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखो, जब भी मैं सपोज़ कि मैंने बताया आपको कि मैं अभी ये वाला ग्रिड में काम करूँगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला ग्रिड पे अभी मैं काम करूँगा, ये वाला ग्रिड मैं यहाँ पे शेड करूँगा। तो यहाँ पे जब भी मैं ये वाला ग्रिड पे बना रहा हूँ ना, तो मुझे बाकी ग्रिड्स को भूलना पड़ेगा, पूरा का पूरा फोकस यही रखना पड़ेगा और इसको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये प्रॉपर एक पोर्ट्रेट है। जिस तरीके से हम पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग में एनर्जी होती है वही हमें रखनी पड़ेगी। उसके बाद आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद लेयर्स ऐड करते हैं, वही यहाँ पे करना है। पहले यहाँ पे देखो, एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, कुछ एरिया है जहाँ पे लाइट आपको दिख रहा है, कहीं पे आपको मिड टोन दिख रहा है और कहीं पे आपको डार्क टोन देखने को मिल रहा है। तो कंप्लीट पोर्ट्रेट, जिस तरीके से हम पोर्ट्रेट में एकदम पूरा अपना एनर्जी देते हैं और आराम से हम उसको बनाते हैं, उसी तरीके से हम केवल ये ग्रिड बनाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे ग्रिड बाय ग्रिड। अगर आप ग्रिड के थ्रू नहीं बना रहे हो तो एक छोटे छोटे एरियाज़ में आप पोर्ट्रेट को डिवाइड कर सकते हो और पहले एक एरिया को अच्छे से कवर करो, उसके बाद आगे शिफ्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये ग्रिड को मैं कवर करूँगा। तो पहले जो आउटलाइन है, आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो ये इसका आउटलाइन मैं पहले बना लूँगा और मार्क कर दूंगा कि कहाँ पे मुझे शेड करना है, डार्क शेड करना है, कहाँ पे मिड टोन है और कहाँ पे हाईलाइट देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये करेंगे और बाकी के जो ग्रिड्स हैं उसी तरीके से हम, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो मैं आप फिलहाल ये ग्रिड पे मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ और आपको बस अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना है। क्योंकि हाइपर रियलिज्म में कुछ ज़्यादा कुछ खास बताने को है नहीं, मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट वही रहता है। आपको बस अच्छे तरीके से देखना है कि किस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ, कितना टाइम लग रहा है मुझे ड्रॉ करने में, कितना ध्यान से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना, थोड़ा मैं इसको पास से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे इस वाले ग्रिड को और इसको भी मैं साथ में कवर कर लूँगा, ठीक है। तो पहले मैं पैटर्न ड्रॉ कर लेता हूँ, किस तरीके का पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है।
गाइस यहाँ पे आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने फर्स्ट लेयर भी दे दिया है, हल्का सा यहाँ पे शेड अप्लाई कर दिया है। इसको मैं ब्लेंड कर देता हूँ, ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्मूथ टेक्सचर नहीं है, कैप बना रहे हैं तो कैप में इतना स्मूथ टेक्सचर की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको थोड़ा बहुत मिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज़ आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे रेफरेंस में आप देखोगे तो यहाँ पे मिड टोन देखने को मिल जाता है, मतलब शेड जो हमने किया है फर्स्ट लेयर यहाँ, इसको हमें डार्क करने की ज़रूरत है, साथ साथ में हमें डिटेल्स भी ऐड करने की ज़रूरत है, कहीं पे हमें मिड टोन और हाईलाइट सारी चीज़ें मतलब अच्छे तरीके से बैलेंस करके ड्रॉ करना है। तो अब हम डिटेल ऐड करेंगे, उसके साथ साथ शेड्स को भी बैलेंस करते जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर डार्क टोन देना है वहाँ पर डार्क टोन दे देंगे, जहाँ पर मिड टोन वहाँ पर मिड टोन, और जहाँ पर मुझे हाईलाइट रखना है वहाँ पर हम वो डाल देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं डार्क टोन ऐड करने के लिए मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जिसमें 4B की लीड लगी हुई है। और यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है एरिया बहुत छोटा है और छोटे छोटे एरियाज में मुझे डार्क टोन ऐड करना है, तो मैकेनिकल पेंसिल बेस्ट ऑप्शन है। आप नॉर्मल पेंसिल जो 4B पेंसिल है उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ पे बस आपको अच्छे तरीके से उसको शार्प करना पड़ेगा, तो बार बार शार्प करने का ही इशू ना हो इसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न हमें चाहिए था वो ऑलमोस्ट मिल गया है। इसको मैं एक बार ब्रश से मिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा नीडेड इरेजर, इसको बहुत बारीक सा कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है, और बहुत ही हल्के प्रेशर से यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जहाँ पे मुझे हाईलाइट देने की ज़रूरत है। ओके यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा 0.3 mm का, या फिर नॉर्मल पेंसिल उसको इस तरीके से शार्प करके भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमें बस फाइनल फिनिशिंग देनी है, टोन को जो हमने टोन ऐड करे हैं उसको और अच्छे तरीके से बैलेंस करेंगे, जो डिटेल और कमी पड़ रही है वहाँ पर हम कुछ डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत है वहाँ पर हम ऐड करेंगे। Thank you.
तो बस गाइस इतना हमारा काम हो चुका है। आगे जो ग्रिड्स हैं जो भी हमें ड्रॉ करना है कैप वाला एरिया उसको मैं कवर कर लूँगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर रखना है और यहाँ पे कुछ मैंने स्पेशल भी नहीं किया है, मैंने बस छोटे से एरिया पे अच्छे तरीके से ध्यान दिया, उसको अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है और इतने छोटे एरिया को मुझे ड्रॉ करने में आधे घंटे लग गए। तो टाइम टेकिंग होता है आपको छोटे छोटे एरियाज़ में अच्छे तरीके से टाइम देना, जब तक आप जो रिज़ल्ट चाहते हो जब तक उस तरीके का नहीं मिलता है तब तक आपको उसमें डिटेल्स ऐड करते रहना है, आपको लेयर्स ऐड करते रहना है और भी अच्छे तरीके से रेफरेंस को देखना है, ड्रॉ करना है। हाइपर रियलिज्म में कुछ खास नहीं करना है कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया जो आपको नहीं पता, पता सब है। जैसे जैसे प्रैक्टिस ज़्यादा करते जाओगे आपके अंदर वो पेशेंस और ऑब्जर्वेशन दोनों इंक्रीज़ होता जाएगा और दोनों जब इंक्रीज़ होगा आप ऑटोमेटिक हाइपर रियलिज्म में शिफ्ट हो जाओगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा स्पेशल रूल नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप करते रहो, जो भी आप कर रहे हो जिस पे भी आप काम कर रहे हो, रियलिज्म पे काम कर रहे हो तो अभी आप फिलहाल उसी पे फोकस करो, उसी को उसी में धीरे धीरे डिटेल्स और ऐड करने की कोशिश करो। जितना आपने पिछले ड्राइंग में किया था उसको अगले ड्राइंग जब भी आप बनाते हो उसमें उसको आप इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करते 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 इस जगह पे आप डेफिनेटली आ जाओगे। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।